कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी यूपी का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 4 दिन से कहां छिपा है, ये यूपी पुलिस के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। 4 राज्यों में पुलिस की 25 टीमें विकास की तलाश में लगी हुई हैं। यूपी से लेकर एमपी और राजस्थान तक चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, लेकिन विकास का सुराग अब तक नहीं लग पाया है। विकास सिर्फ एक रात में इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर नहीं बना, पिछले 25 सालों से वो क्राइम की दुनिया में है। इन 25 सालों में उसने हर मोड़ पर राजनीति का दामन थामा और खुद को कानून के चुंगल से बचाता चला गया। विकास को नेताओं की जरूरत थी और नेताओं को विकास की। नेताओं ने विकास को राजनीतिक शरण भी दी तो विकास ने नेताओं को चुनाव जीतने का बाहुबल दिया। बेकरू के डॉन हत्यारे विकास दुबे को 40 थानों की पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस की 25 टीमें उसे ट्रेस करने में जुटी हैं। 75 जिलों के टोल नाकों पर इस वांटेड के पोस्टर चिपक गए हैं। 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास की इनामी राशि 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन खाकी का ये खूनी पुलिस की राडार से गायब है। बात सिर्फ आज की नहीं, 25 सालों से पुलिस के साथ ये लुका छिपी का खेल खेल रहा है। इसकी शुरुआत 90 के दशक से हुई, जब ये बिकरू गांव का छोटा सा बदमाश हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी पहुंच सियासी गलियारों तक होने लगी। सियासी पार्टियों के लिए शतरंज का वजीर बन चुका विकास दुबे, जिस पाले में जाता उसकी जीत पक्की हो जाती। बिठूर बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में विकास दुबे के टेरर का मतलब था चुनाव में जीत की गारंटी। सियासत की बिसात पर अपनी हैसियत विकास को पता चल गई, इसे सियासी पार्टियां यूज करने लगी और ये सियासी पार्टियों को डंके की चोट पर अवैध धंधे करना शुरू किया। जमीन कब्जा, रंगदारी, फिरौती, हत्या करता रहा, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। बिकरू की गली का बदमाश बिकरू का डॉन कहा जाने लगा, लेकिन जो बातें खौफ से दीवारों में दबी रह जाती थी पहली बार सामने आई है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पड़ रही है, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है, जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं। जब 2017 का एक टेप सामने आया है जिसमें इसने राजनीतिक संरक्षण की बात कबूली है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी से इसका नाता रहा है, हर पार्टी में इसकी पैठ रही है। इसे समझना है तो विकास दुबे की पूरी पॉलिटिकल टाइमलाइन देखनी होगी। विकास दुबे गैंगस्टर विकास कैसे बना, उसके पहले पॉलिटिकल आका थे। 90 के दशक में कानपुर के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव, मुलायम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे हरिकिशन श्रीवास्तव, जिनका संरक्षण पाकर विकास ने बुलेट गैंग बनाई। इस गैंग के मेंबर बुलेट बाइक पर खुलेआम असलहा लेकर घूमने लगे, ज्यादातर नई उम्र के लड़कों को बुलेट गैंग में शामिल किया और इन्होंने चौबेपुर, शिवली और बिल्हौर में छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए। प्रयोग कामयाब रहा और विकास मुखिया बन गया। साल 1992 में विकास ने गांव के एक दलित शख्स की हत्या कर दी, लेकिन सियासी आका हरिकिशन श्रीवास्तव के आशीर्वाद से उसका बाल बांका नहीं हुआ। उन्हें जिताने के लिए विकास ने चुनाव में जी जान लगा दी। हरिकिशन चौबेपुर से चुनाव लड़ते थे। बिछूर और चौबेपुर में ब्राह्मण वोटों को लामबंद करने में विकास दुबे ने बड़ी भूमिका निभाई और वो चुनाव जीत गए। हरिकिशन श्रीवास्तव ने जिस सपोले को दूध पिलाया था वो सांप बनकर फुफकारने को तैयार था। कई नए सियासी चेहरे ऐसे ही ताकतवर चेहरे को तलाश रहे थे। तो उस वक्त बीएसपी से जुड़े नेताओं राजा रामपाल
और भगवती सागर ने विकास से दोस्ती की। दोस्ती गाढ़ी हुई और विकास ने दोस्ती का फर्ज भी कई मौकों पर चुकाया। राजा राम अब कांग्रेस में है और भगवती सागर बीजेपी में, लेकिन अब ये विकास के साथ संबंधों को इनकार कर रहे हैं। ये सरासर फर्जी है, वो बहुत बड़ा साक्षर अपराधी है और वो अपने दबाव में लोगों को लेने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है। राजनीतिक संरक्षण क्या होता है, उसकी असलियत अगर आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। पुलिस ने विकास की क्राइम कुंडली तैयार कर ली थी, विकास के एनकाउंटर का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन इन नेताओं ने विकास के दोस्तों के साथ कल्याणपुर थाने को घेर कर विकास को बचा लिया। उनके समर्थन में कई नेता तो धरने पर बैठ गए। विकास को लगातार नेताओं का संरक्षण मिलता जा रहा था और माल लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम उसके लिए बेहद आसान चीज हो गई थी। हालत ये हो गई कि नेताओं के संरक्षण में लूट का माल, आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बंटने लगे थे। यही वजह थी कि बिकरू गांव का कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुआ और विकास के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहते थे। 2001 में शिवली थाने में तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में उसे कई सत्ताधारियों का ही पूरा संरक्षण मिला था। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद जब हरिकेशन श्रीवास्तव थाने पहुंचे तो शव देखकर उनके मन में दहशत बैठ गई थी। इस वारदात के बाद तत्कालीन मंत्री प्रेमलता कटियार पर विकास को संरक्षण देने के आरोप लगे, पर कटियार ने हमेशा इस बात का खंडन किया। उसके पास एक अपराधियों की टीम थी, गाँव में आसपास के गाँव में वो आतंक पैदा करता था कि अगर बसपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हें यहीं रहना है, ये तो नेता लोग आ जाएं कल चले जाएंगे, मैं तुम्हें रोज देखूंगा। तो इससे लोग उसके भय और आतंक के कारण उसके दबाव में रहे। राजनीतिक संरक्षण ने विकास को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। 90 के दशक के आखिरी में कानपुर में एक डीएसपी अब्दुल समद से झगड़ा हो गया, जिसके बाद विकास ने उन्हें कमरे में बंद करके पीटा था। तब विकास की मां ने पुलिस वालों से दुश्मनी ना लेने की नसीहत दी थी। विकास दुबे और पुलिस के बीच ट्यूनिंग का सच यह है कि जो पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता था वो उसकी दुर्गति कर देता था। यही वजह थी कि पुलिस वाले भी उसकी दहलीज पर मत्था टेकने लगे। चुनाव में अपने आतंक और दहशत से हार जीत भी तय करता था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण लगातार बचता रहा। 1995-1996 में अपने को बचाने के लिए बीएसपी में शामिल हो गया था। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य भी बना। इसके बाद उसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव एसपी के समर्थन से लड़ी है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी तीनों पार्टियों में इसने पैठ बना रखी थी। 2017 के टेप में विधायक अभिजीत सांगा का नाम लेकर इसने योगी सरकार में भी अपनी दखल का दावा किया। हालांकि सांगा ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि सियासी संरक्षण ने ही विकास दुबे जैसे रावण पैदा किए हैं, जो सोसाइटी और सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक है। गैंगस्टर विकास दुबे की क्राइम कुंडली काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद उसके बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे का सिक्का कानपुर के बड़े हिस्से में चल रहा था और अब उसे जान बचाने के भी लाले पड़ रहे हैं। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 6 बीघा जमीन के विवाद की तफ्तीश में विकास ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 6 बीघा जमीन के विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस का टारगेट साफ है, अपराध का विकास रोकना, और ये तब होगा जब मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गर्दन पुलिस के हाथों में होगी। 2 जुलाई को विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर सनसनी फैला दी थी। आखिरकार इस हत्याकांड की असल वजह क्या थी, ये साफ हो गया है। दरअसल इसकी वजह थी ये जमीन। घनश्यामपुर ग्राम पंचायत के मोहनी निवादा गाँव की 6 बीघा जमीन का विवाद 8 पुलिस वालों की शहादत का कारण बन गया। ये 6 बीघा जमीन विकास के रिश्तेदार लल्लन शुक्ला की थी। लल्लन की 3 बेटियां हैं, सुनीता, प्रतिभा और सरिता। लल्लन ने 2 बेटियों की शादी कर दी और भांजे सुनील शुक्ला को गोद ले लिया। सारी जमीन भी सुनील शुक्ला के नाम कर दी गई। सुनील की शादी विकास की बहन समीक्षा से हुई। असल लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब लल्लन की बेटी प्रतिभा के पति राहुल तिवारी ने अपने ससुराल की यही जमीन बेचने की कोशिश की। विकास ये नहीं होने देना चाहता था,
विकास का कहना था कि जमीन उसकी बहन समीक्षा के पति सुनील की है। विकास इसी बात को लेकर राहुल से रंजिश रखने लगा। 2 जुलाई की गोलीबारी के ठीक एक दिन पहले विकास दुबे ने राहुल तिवारी को उठा लिया और कमरे में बंद कर दिया। राहुल किसी तरह से वहां से निकला और पुलिस के पास पहुंचा। इंडिया टीवी के पास 1 जुलाई को चौबेपुर के SHO को लिखा राहुल तिवारी को वो शिकायती पत्र है जिसमें लिखा गया है कि पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे पर कार्रवाई करे। 2 जुलाई की रात विकास दुबे समेत उसके कई साथियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इसके बाद बिल्हौर के CO ने फोर्स के साथ बिकरू गांव में विकास के घर में दबिश दी। इसी दौरान विकास दुबे की तरफ से फायरिंग हुई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसी जमीन को लेकर विकास दुबे का राहुल तिवारी नाम के एक लड़के से विवाद हो गया था। राहुल तिवारी की शादी विकास दुबे की पारिवारिक बहन से हुई थी। ये कहा जा रहा है कि राहुल के जो ससुर थे उनके कोई लड़का नहीं था, लड़कियां ही थी, तो उन्होंने अपना एक भांजे को गोद ले लिया था। लेकिन उनकी मौत के बाद राहुल ये जमीन बेचना चाहता था और विकास ये नहीं चाहता था कि ये जमीन उसकी पारिवारिक बहन के हाथों से जाए। इसी को लेकर राहुल से झगड़ा हो गया था और ये जो घटना हुई है जिसमें पुलिस वाले मारे गए हैं, उसके 2-4 दिन पहले ही राहुल का ये आरोप था कि विकास ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कराया था जिसका वो मुकदमा लिखवाना चाहता था जो पुलिस नहीं लिख रही थी। तो ये सारा विवाद था। ऊपर से जब प्रेशर हुआ तो ये मुकदमा जरूर लिखा गया। तो जो चौबेपुर के थाना अध्यक्ष हैं, ये कहा जा रहा है कि वो राहुल तिवारी के घर गए थे पूरे मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन मामला सुलझा नहीं। और अगले दिन जब पुलिस फोर्स दबिश डालने गई तो विकास ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया जिसमें 8 पुलिस वालों की जान चली गई। जिस 6 बीघा जमीन पर विवाद था उस जमीन को लेकर पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन विकास दुबे किसी पंचायत किसी कानून को मानने वालों में से नहीं था। वो पुलिस को ठेंगे पर रखता था और उनसे हाथापाई करने की ताकत भी रखता था। एक दिन पहले भी पूर्व में किसी दरोगा से उसकी हाथापाई हुई है इसी घर में? नहीं, ये तो बात लगभग स्पष्ट हो गई है। जाते हैं कि एक तारीख को यहाँ आया था और उसके बाद जाते हैं, मतलब ये बातें जो है जो तत्समय के जो थानाध्यक्ष हैं ये बातें जो है उच्च अधिकारियों को उन्होंने संज्ञान में नहीं लाया। ये बात स्पष्ट है, मतलब हाथापाई हुई थी? अब हाथापाई हुई कि नहीं ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। अब तो जांच में होगा क्या हुआ यहाँ पर जाते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि वो यहाँ पर आए हुए थे। विकास दुबे ने जितने भी मर्डर किए ज्यादातर के पीछे जमीन सबसे बड़ी वजह है। विकास की नजर जिस जमीन पर पड़ जाती वो उसी की हो जाती और जो मना करता उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। 2017 में STF ने जब विकास दुबे से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि एक खेत की रंजिश में वो हत्या का आरोपी बनाया गया। इसकी हत्या हुई थी, एक कुशवाहा जी है उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका नहीं उनका नाम मालूम है जो वादी है। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के 1 की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम खड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया। जरायम की दुनिया में विकास की एंट्री हत्या से हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो समझ गया कि असली पैसा जमीन में है, इसीलिए उसने जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया। इसी दौरान उसने राजनीति की भी बाह पकड़ी जिसकी वजह से वो अब तक बचता रहा। रुचि कुमार, इंडिया TV, कानपुर। विकास दुबे कोई रातों रात गुंडा नहीं बना, कई साल से वो जुर्म का साम्राज्य खड़ा करता रहा। आरोप है कि क्राइम के इस विकास को पुलिस और प्रशासन भी देखता रहा। जिस जमीन पर जिस फैक्ट्री पर उसकी नजर पड़ती थी वो उसकी हो जाती। कानपुर के शिवराजपुर, चौबेपुर, शिवली और बिठूर जैसे कई इलाकों की फैक्ट्रीज से कितना गुंडा टैक्स विकास वसूला करता था। जमीन की डील कोई भी हो उसका करोड़ों का कमीशन कैसे गैंगस्टर के पास पहुंच जाया करता था, इसकी पूरी क्राइम फाइल हमारी रिपोर्टर रुचि कुमार के हाथ लगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
हॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी नहीं, 2.5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की क्राइम फाइल है। डॉन जैसा रुतबा और खूंखार अपराधियों जैसी दहशत न शासन में था, न प्रशासन में, न मंत्री था, न अफसर, लेकिन रसू कैसा था कि इलाके में उसकी सल्तनत चलती है। अगर इंडस्ट्री चलानी है तो उसे चढ़ावा देना होता था। जमीन की खरीद बिक्री के हर छोटे बड़े सौदे में उसका कमीशन फिक्स होता था। वो जमीनों पर कब्जा करता था और बेच देता था। यूं कहिए कि कानपुर के चौबेपुर और उसके आसपास के इलाके में एक तरह से विकास दुबे के नाम का सिक्का चलता था। उसकी मर्जी होगी तभी कोई बड़ा धंधा शुरू कर पाएगा, मर्जी नहीं होगी तो एक ईंट तक नहीं रख पाएगा। विकास दुबे का एक फोन दहशत के लिए काफी होता है। शिवराजपुर, चौबेपुर, शिवली और बिठूर थाना क्षेत्र में विकास दुबे की दहशत का ये आलम है कि छोटे बड़े उद्योगपतियों से लेकर खनन माफिया तक विकास को चढ़ावा चढ़ाते हैं और बदले में विकास दुबे उनको संरक्षण देता है। वो एक स्कूल के बाहर जमीन पड़ी थी, उस पर कब्जा कर लिया था इसने। वो वहाँ डिग्री कॉलेज बनाना चाहते थे, इसने जबरन कब्जा कर लिया था। जब वो वहाँ हटाने गए, चूंकि उनके स्कूल में पढ़ चुका था, ये भयभीत नहीं थे, इसने उनके पैर भी छुए और इसके बाद गोली मार दी। कानपुर का चौबेपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ बड़ी तादाद में फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, कई डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियां, केमिकल फैक्ट्री, एग्रो इंडस्ट्रीज है। इन फैक्ट्रियों से विकास लाखों की वसूली करता है और जमीन के सौदे से तो उसकी कमाई करोड़ों में थी। बाकायदा किसी डॉन या माफिया की तरह विकास दुबे रोज अपना दरबार सजाता था और इलाके के लोगों की किस्मत का फैसला करता था। कुछ दिनों पहले आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। विकास दुबे के इस आलीशान ठिकाने के बाहर खड़ी इन गाड़ियों को पुलिस ने बुलडोजर से रौंद डाला था। सूत्रों के मुताबिक कानपुर के बिकरू गांव में ये गाड़ियां जहां खड़ी थी ठीक उसी जगह पर विकास दुबे का दरबार लगता था और वो अपने गुर्गों के साथ महफिल जमाता था। कब कब कितनी वसूली हुई, कहां से कितनी कमाई हुई, किसने कितने पैसे दिए, किससे कितनी रंगदारी लेनी, सबका हिसाब किताब उसके दरबार में रखा जाता था। बिकरू गांव में जब इस शातिर अपराधी की अदालत लगती थी तो जमीनों से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होती थी। चौबेपुर के आसपास के इलाके का बच्चा बच्चा विकास दुबे के कब्जा कानून का गवाह। स्थानीय लोगों के मुताबिक विकास ने जमीनों की खरीद फरोख्त में काफी पैसा कमाया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।